क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल्स टू वन। केस वाले टर्म को मैंने वाई वन मान लिया, ये वाला हमारा वाई टू हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया वन। अब मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा इसका वाई वन का, तो कितना हो जाएगा डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस वाई टू का हो जाएगा डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वन का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन जीरो। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर। सबसे पहले मैं डी वाई वन अपॉन डी एक्स फाइंड कर रहा हूँ, तो देखेंगे वाई वन इक्वल टू एक्स की पावर वाई। देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे लॉग ले लेंगे। देखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब भी कभी ज़्यादा टर्म एक्स वाले मल्टीप्लाई में हो या पावर की पावर हो तो हम हमेशा लॉग लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लॉग वाई वन इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर वाई। देखिए पावर जो होती है वो बाहर आ जाती है, तो ये कितना हो जाएगा वाई लॉग एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा लॉग वाई वन। अब हमारा टर्म सिंप्लीफाई हो गए, हम कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई वन का कितना हो जाएगा वन अपॉन वाई वन, और वाई वन का कितना हो जाएगा डी वाई वन अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। देखिए पहला टर्म दूसरा टर्म, तो पहला टर्म हमारा ऐसे रहेगा लॉग वाई, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा ये वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स हमारा ऐसे रह जाएगा। इस बार डिफरेंशिएशन किसका होगा वाई का, तो वाई का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये वाला वाई वन क्रॉस मल्टीप्लाई में राइट साइड में चले जाएगा, तो वाई वन की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं कितनी थी एक्स की पावर वाई, तो ये कितना हो जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए इसकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो देखिए ये एक्स की पावर वन है यहाँ पर, ये ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी, देखिए एक्स की पावर वाई है, ये ऊपर जाकर एक्स की पावर माइनस वन हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे कितनी बचेगी एक्स की पावर वाई माइनस वन। ठीक है, तो इस टर्म को मैं लिख दूंगा वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस वन। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके अब मैं फाइंड करूँगा डी वाई टू अपॉन डी एक्स। देखिए वाई टू हमारा टर्म कितना था वाई की पावर एक्स, तो हम इसे लिखते हैं वाई टू इक्वल टू वाई की पावर एक्स। देखिए फिर दोबारा से पावर में है, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स ये हो जाएगा हमारा लॉग वाई टू इक्वल टू लॉग वाई की पावर एक्स। पावर कहाँ आती है बाहर आ जाते हैं लॉग में, तो इसे लिखेंगे हम एक्स लॉग वाई। देखिए यहाँ पर हमारे फिर से दो टर्म हो गए हैं मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन का, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई टू का कितना हो जाएगा वन अपॉन वाई टू, वाई टू का डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, पहला टर्म हमारा ऐसे कैसे रहेगा, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग वाई का कितना हो जाएगा वन अपॉन वाई, फिर वाई का करेंगे कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई हमारा ऐसे रह जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा वन। देखिए ये वाई टू जो होता राइट साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वाई टू यहाँ आ जाएगा, वाई टू की वैल्यू हम पुट कर देंगे कितनी है वाई की पावर एक्स, और इसे हम लिखेंगे एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई। अब मैं वाई की पावर एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कराऊँ, देखिए बिल्कुल पहले वाले टर्म की तरह जैसे ही हमने किया था, ये वाई की पावर वन यहाँ पर थी, ऊपर जाके किसी हो जाएगी माइनस की जाएगी, तो बचेगा हमारा एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन, ये वन ऊपर जाके माइनस का जाएगा, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे एक्स माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं कितना हो जाएगा वाई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थ्री। देखिए मैं टू और थ्री को ऐड कर दूंगा, तो हमारी इक्वेशन नंबर कौन सा आ जाएगा वन में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे सो ये हो जाएगा हमारा वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस वन प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई इक्वल टू कितना था ज़ीरो। देखिए ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म है, ये भी हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म है, इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए तो कितना बचेगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन
dy अपॉन dx को हमारा जाएगा, और ये जो दो टर्म थे ये राइट साइड में चले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। देखिए वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई, दोनों में माइनस कॉमन है, मैंने ये माइनस कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा। ये वाला टर्म डी वाई के अपॉन में मल्टीप्लाई में ये अपॉन में आ जाएगा, इसे लिखेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कि माइनस वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस वन प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई अपॉन में, ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन, ये हमारा डी वाई।